आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट और बहुत ही आसानी से बनने वाली मैंगो तिल कैंडी, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों किचन में। कैंडी बनाने के लिए हम एक बड़ा सा आम लेंगे और इसे अच्छे से छील लेंगे। ये जो आम हमने लिया है ये लगभग 500 ग्राम से ज्यादा है। अब हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। अब इसे मिक्सर में डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लें। अब पैन लेंगे और इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और इसमें आम का थोड़ा पेस्ट मिला देंगे। घी ऑप्शनल है, यदि आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिलाते हुए 5 मिनट तक पकाएं। अब 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद इसमें 1/4 कप चीनी डालें। आम की मिठास के अनुसार आप चीनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। अब इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा मैंगो पेस्ट पैन छोड़ने लग गया है, इसका मतलब मैंगो पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसको घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब इस मैंगो पेस्ट को हम प्लेट में निकाल लेंगे और 10-15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच काले तिल और 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और इनको भून लेंगे। अब तिलों को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब फ्रिज से अपना बैटर निकालेंगे, उसको थोड़ा सा मसल लेंगे और इसमें थोड़े से तिल भी मिला लेंगे। अब हाथों पे थोड़ा सा घी लगा ले और इसका एक रोल बना ले। अब हम इसे इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम इसे एक अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे। अब हम इसे तिल से पूरी तरह से कवर कर देंगे। अब ये हमारी कैंडी बनके बिल्कुल रेडी है। तो है ना ये लाजवाब कैंडी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो बनाइए, खाइए और बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।